एक पूरी फैमिली, एक शख्स अपनी बीवी के साथ अपने छोटे 2 माह के बेटे को दवाई लेकर देने के लिए जा रहा था। ये वो नाले है शादमान टाउन पहुंची ए का नाला, कलंदरिया चौक का नाला, जहां पर स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब, यहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहां पर 8 महीने पहले जो गटर और नालों की सफाई के लिए आपने जो खुदवाई करवाई थी मशीनों के लिए, वो गटर के ढक्कन गायब है। यहां पर सड़कें टूट चुकी हैं। आप अगर वोट लेने के लिए दूसरों की मिन्नतें करने पंजाब जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची की आवाम को, अगर कराची के मसाइल को आप हल कर देते तो पूरा कराची खुद आपको वोट देता। मुर्तजा वहाब साहब, आप पोश इलाकों में जाकर डांसिंग जो है फाउंटेन लाइट मत लगवाए, आप वहाँ के पार्ट्स को मत सही करवाए, आप गरीब इलाकों में आकर जो है यहाँ के गटर को ठीक करवाए, यहाँ की सड़कों को ठीक करवाए, क्योंकि ये इंसानियत है, सब इंसान बराबर है। आप इस सीट पर मौजूद है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। आप अपनी सीट पर रहते हुए अपना काम करें, क्योंकि ये जो फैमिली पूरी उजड़ गई है, तबाह हो गई है, जिसकी बीवी 2 घंटे तक नाले में तैरती रही, जिसका बेटा पूरे 24 घंटे के बाद मिला है, और अभी तक उस नालों के ऊपर ढकन कोई जो है गवर्नमेंट की टीम वहां पर सर्वे करने नहीं आई, कोई गवर्नमेंट की टीम ने अलखिदमत वालों ने वहां पर अपनी मदद आपके तहत डंडे लगाए हैं, रेड रिबन लगाए हैं। अभी भी प्रिडिक्शंस पहले से थी, हमारी सिंध गवर्नमेंट को प्रिडिक्शंस पहले से थी, तो फिर क्यों नहीं, क्यों कराची की आवाम बेहाल है? कराची सबसे बड़ा इंटरनेशनल सिटी है जो आपको कमा कर देता है, कराची सबसे बड़ा शहर है, फिर कराची की आवाम के साथ ऐसा जो नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? जरदारी साहब और प्लीज बिलावल साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साहब वहां से कहें कि इन इलाकों का दौरा करें, मंगोपीर का दौरा करें, शादमान का दौरा करें, नॉर्थ कराची का दौरा करें, यहां की आप जो नालों को देखें, क्योंकि प्रिडिक्शन जितना स्पेल आने वाला है अब कराची के अंदर, उसमें मुझे तो लगता है कि ये आवाम तो कुछ जो है महंगाई से मर जाएगी, और कुछ सैलाबी रेले के साथ मर जाएगी, और कुछ कराची के गटरों के अंदर डूब कर मर जाएगी।